चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी निर्देशक सात कुमार की मौत से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। भोजपुरी निर्देशक सात कुमार की मौत पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का एक ताजा बयान सामने आया है। पवन सिंह ने उनकी मौत पर शोक प्रकट करते हुए कहा है, निर्देशक सात कुमार की मौत पर मुझे और पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को झटका लगा है। साथ ही साथ पवन सिंह ने कहा है कि हम सब स्ट्रगल करने के लिए बने हैं, हमें इस तरह जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। वहीं पवन सिंह ने आगे कहा है कि मुंबई शहर माया की नगरी है, यहाँ पर हर किसी को कोई ना कोई दिक्कत हमेशा रहती है। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म निर्देशक सात कुमार ने आज अपने मीरा रोड आवास पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। सूत्रों से पता चला है कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन के शिकार थे, इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या की किया है। आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के शोमैन से डायरेक्टर सात कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते थे। सात कुमार एक ऐसे निर्देशक थे जिनकी दृष्टि अचूक थी और उन्होंने आज तक जितने भी फिल्में का निर्देशन किया है वो फिल्में अपने प्रदर्शन से पहले ही चर्चाओं में शुमार होकर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा करती थी, इसीलिए सात कुमार को भोजपुरी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इनके निर्देशन में अब तक प्रदर्शित कई सारी फिल्में प्रदर्शित हो चुकी है, जिनमें से त्रिदेव, एक लैला तीन छैला आदि फिल्में हैं, जबकि रिलीज होने वाली फिल्मों में भाईल तोहरा से प्यार आई लव यू, स्वर्ग, तुम्हारे प्यार की कसम और हिंदी फिल्म दिल जलाओ ना इत्यादि शामिल हैं। सात कुमार के आत्महत्या से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही झटका लगा है। साथ ही साथ एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अच्छे निर्देशक को खो दिया है।